व्हाट्सअप गाइस, दिस इज फिरोज अंबर, वी आर बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो होने वाला है बहुत ही खतरनाक, ताबातोड़ और भयंकर होने वाला। सो दोस्तों, यानी आपको बता दूं कि आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आज 19 नवंबर है और 19 नवंबर इंडिया के लिए एक यादगार दिन साबित होने वाला है। यानी आज आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला होने वाला है, जिसको देखने के लिए हम तमाम लोग मोराबादी मैदान के एक बड़े डिस्प्ले में जा रहे हैं। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग जो होने वाला है अदर ब्लॉग से बेहतर होने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। सो फाइनली दोस्तों, आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद मोराबादी मैदान के पास मैं पहुँच चुका हूँ। सो दोस्तों, ये वो रास्ता रहा जिसके ज़रिए से मैं अभी मोराबादी मैदान तक पहुँचा हूँ, और मेन रोड के बगल में ही आपको यहाँ का फेमस पार्क है, यानी ऑक्सीजन पार्क नज़र आ जाएगा। सो दोस्तों, उसके जस्ट बगल में ही ये मोराबादी मैदान है, जहाँ पे देख सकते हैं कब आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया का मैच का आनंद उठाने के लिए। सो दोस्तों, मैं भी हल्के हल्के कदम से मोराबादी मैदान की तरफ बढ़ रहा हूँ, और आप सभी को एक बड़े डिस्प्ले में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच का आनंद देने वाला हूँ। सो दोस्तों, चलते हैं डिस्प्ले के पास और वहाँ का एक खूबसूरत मंजर दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज, अभी मैं मोराबादी मैदान में हूँ, और मोराबादी मैदान का देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। आपको जिधर दिखता होगा आपको डिस्प्ले ही डिस्प्ले नज़र आता होगा। सो दोस्तों, इस तरफ आपको बहुत ही कम लोग नज़र आते हैं, यानी ना ही के बराबर लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊँ तो इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे साउंड जिस तरफ लोग खड़े हैं उस तरफ उस वाले डिस्प्ले में साउंड भी दिया गया है, और जिस तरफ लोग नहीं हैं उधर तरफ साउंड नहीं दिया गया है। सो दोस्तों, अभी मोराबादी मैदान में हूँ, और सो दोस्तों, अगर भी आप भी रांची के इर्द गिर्द के हैं या रांची के हैं, तो अगर आप छोटे डिस्प्ले से परेशान हो चुके हैं और एक बड़े और विशाल डिस्प्ले में एक मैच का आनंद उठाना चाहते हैं, तो हर दिन ये डिस्प्ले ऑन रहता है और आप इस डिस्प्ले पर आकर किसी भी मैच का आनंद उठा सकते हैं। सो दोस्तों, अभी मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने आया हूं, और एक वाकई में एक स्टेडियम वाला फील यहां पे आ रहा है। काफ़ी सारे संख्या में हैं, और जब भी छक्का चौका या फिर कोई आउट या फिर कोई रन ले रहा है तो काफ़ी संख्या में लोग चिल्ला रहे हैं और उसको इंडिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैं लोगों के पास जाता हूँ और वहाँ से करीब से आप लोगों को उसकी एक उत्साहत दिखाता हूँ। सो दोस्तों, चलिए उन लोगों के पास पहुँचते हैं और उनकी उत्साहत को आपको दिखाते हैं किस तरह इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वो लगे हुए हैं। सो दोस्तों, अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भयंकर मुकाबला चल रहा था, और किसी तकनीकी की वजह से डिस्प्ले बंद हो चुका है, और अभी हल्के हल्के तौर पर चालू हो रहा है। देख सकते हैं कितने काफ़ी संख्या में लोग हैं, और किसी तकनीकी खराबी की वजह से डिस्प्ले बंद हो चुका था, और सारे लोग डिस्प्ले की तरफ ताक रहे हैं कि कब डिस्प्ले ऑन हो। देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा सा डिस्प्ले है, पूरी ग्राउंड में आपको 12 से 13 डिस्प्ले लगा हुआ है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे सोच के आए थे कि पूरी आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पूरा फाइनल देख के जाएंगे, किसके हाथ ट्रॉफी जाता है। सो दोस्तों, बड़ी मायूसी के साथ हमें अपने रूम की तरफ लौटना पड़ रहा है। सो दोस्तों, बड़ी ही मायूसी के साथ रूम की तरफ लौटना पड़ रहा है कि अभी तक भी डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ, और रूम काफ़ी दूर है जिसकी वजह से हम रूम की तरफ निकल चुके हैं। सो दोस्तों, उसके जस्ट बगल में ये है बिरसा मुंडा।